क्लोरोफार्म का आविष्कार चिकित्सा विज्ञान में क्लोरोफॉर्म का आविष्कार बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है इसे ऑपरेशन के समय रोगी को बेहोश करने के लिए प्रयोग किया जाता है बेहोशी की अवस्था में ऑपरेशन से होने वाली पीड़ा से रोगी को छुटकारा मिल जाता है इसके आविष्कारक जेम्स नेग सिम्पसन थे उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही इस प्रकार की औषधि के निर्माण के विषय में एक संकल्प ले लिया था इस आविष्कार के पीछे उनके जीवन में घटी एक दर्दनाक घटना का हाथ है एडिनब्रा के एक अस्पताल में एक व्यक्ति की टांग में विषैला घाव हो जाने से सारे शरीर में विष फैल जाने का डर था अतः उसकी टांग काटना जरूरी हो गया उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए गए आगे क्या होना है इसकी कल्पना मात्र से वहाँ के लोग सहमे हुए थे कुछ ही देर में सर्जन आए कुछ अन्य डॉक्टरों और नसों ने उस आदमी को कसकर पकड़ लिया सर्जन तब से उसकी टांग को काटना शुरू किया भयंकर पीड़ा से वह व्यक्ति बुरी तरह छटपटा रहा था उसकी दर्दनाक चीख से सबके दिल दहल रहे थे काफ़ी देर तक चीखने चिल्लाने के बाद जब वेदना सह पाना कठिन हो गया तो वह व्यक्ति मूर्छित हो गया डॉक्टरी पढ़ने वाले इस विद्यार्थी ने टाँद काटने के इस बीभत्स दृश्य को देखा और उसकी दिल दहलाने वाली भयानकर चीखें सुनी तो वह अपने को संभाल न सका और बेहोश होकर गिर पड़ा होश में आने पर कई दिन तक उसकी आंखों के सामने यह भयंकर दृश्य घूमता रहा उसने विचार किया का क्या कोई ऐसी दवाई नहीं बनाई जा सकती जो ऐसे रोगियों को बेहोश कर दे ताकि उन्हें पीड़ा का अनुभव न हो बस उसने संकल्प कर लिया कि वह इस प्रकार की औषधि बनाने की कोशिश करेगा डॉक्टर बनने के बाद उसने अपना निजी चिकित्सालय खोला और चेतनाहीन करने वाली औषधि के शोध कार्य में लग गया दिन रात उसने एक कर दिया आए दिन अस्पतालों में इस तरह के दर्दनाक दृश्य देखते देखते वह तंग आ चुका था वह जल्दी से जल्दी रोगियों को ऑपरेशन से होने वाली भयंकर पीड़ा से छुटकारा दिला देना चाहता था इतना ही नहीं ऑपरेशन के दौरान सर्जनों को इतनी मानसिक परेशानी होती थी कि वे ठीक तरह से ऑपरेशन भी न कर पाते थे एक दिन शाम को जब डॉक्टर सिम्पसन अपने शोध कार्य में लगे हुए थे तो उनके द्वारा तैयार किए गए एक मिश्रण को उनके एक सहयोगी ने संग लिया सूंघने के कुछ ही क्षणों में वह बेहोश होकर गिर पड़ा जब सिम्पसन ने यह दृश्य देखा तो वे तुरंत उसके पास आए और उन्होंने भी वो औषधि सुनगी वे भी इससे मूछछित हो गए कुछ देर बाद जब उनकी पत्नी प्रयोगशाला में आई तो यह दृश्य देखकर घबरा गईं। उन्होंने दौड़कर डॉक्टर सिम्पसन को उठाया सिम्पसन थोड़ी देर में होश में आ गए और संज्ञाहीन औषधि को पाखशी से मिल गया मिल गया कहकर चिल्लाने लगे चार नवंबर अठारह सौ सैतालीस को उन्होंने क्लोरोफॉर्म नामक एक बेहोश करने वाली औषधि का आविष्कार कर अपना संकल्प किया। उसके बाद इस औषधि पर बहुत से र प्रयोग और परीक्षण किए गए ताकि यह मनुष्य के लिए हानिकारक न हो क्लोरोफॉर्म के बाद बेहोश करने वाली औषधियों के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए गए इन प्रयोगों के फलस्वरूप आज इससे भी उत्तम प्रकार की औषधियाँ खोज ली गई हैं। वास्तव में अब क्लोरोफॉर्म को बेहोश करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि दसवीं औषधियों को ही काम में लाया जाता है